प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के डिंडोरी में चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं विकास की बात करता हूं। उन्होंने कहा, 2014 और आज में ये अंतर है कि आज भारत को आंख उठाकर देखने से पहले हर कोई 10 बार सोचता है। कन्नौज में बीजेपी का परचम लहराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को तिरवा विधानसभा के अन्नपूर्णा मंदिर ग्राउंड में एक विशाल जनसभा में शामिल होंगे। पीएम की रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बाराबंकी में चुनावी रैली को किया संबोधित। उन्होंने कहा, कांग्रेस देश के गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के साथ साथ युवाओं को रोजगार के अपार अवसर देगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश को बैंक के सामने खड़ा किया। उन्होंने कहा कि वो सभी को न्याय योजना देंगे, साथ ही कहा कि न्याय योजना से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र की भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के साथ वादा खिलाफी की है। मायावती ने रविवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा ने अपने वादे पूरे नहीं किए। बसपा नेता और पूर्व मंत्री लालजी वर्मा ने सपा बसपा के महागठबंधन को लेकर बड़े दावे किए हैं। अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट पर बसपा प्रत्याशी रितेश पांडे के समर्थन में टांडा में आयोजित जनसभा में लालजी वर्मा ने भाजपा पर निशाना साधा। बाराबंकी में सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी रामसागर रावत के समर्थन में सपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में सतरिक थाना क्षेत्र के लखियापुर चौराहे पर आयोजित जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव के छठवें चरण के नामांकन में इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी डॉ. रीता बहुगुणा जोशी ने जुलूस के साथ नामांकन के लिए कचहरी पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए अधिसूचना आज जारी की गई। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों पर 59 सीटों के लिए मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों के लिए इस चरण में वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए लोकसभा की 7 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस सूची में दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 23 अप्रैल को होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस चरण में मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कासगंज जिले की एटा, बदायूं, बरेली जिले की आंवला और पीलीभीत सीट शामिल हैं। फिरोजाबाद में तीसरे चरण 23 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए मतदान पार्टियां पुलिस लाइन से रवाना की जा रही हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए 1266 मतदेय स्थल और 2040 बूथ बनाए गए हैं। सामाजिक परिवर्तन स्थल गोमती नगर के 1090 चौराहे से आज राजधानी लखनऊ के एलएन हाउस स्कूल के छात्र छात्राओं ने मतदान जागरूकता रैली निकाली। इस अवसर पर उन्होंने घर घर जाकर संदेश देकर अधिक से अधिक मतदान करने के लिए शपथ ली। वाराणसी में स्थित एक निजी स्कूल द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान में छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। छात्राओं ने गीत गाकर लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर शत प्रतिशत मतदान को सुनिश्चित करने की अपील की। बरेली जिले में 23 अप्रैल को तीसरे चरण में मतदान होगा। तीसरे चरण के लिए कल शाम से चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। तीसरे चरण के मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने कमर कस ली है।